अस्सलामु अलैकुम मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार फली का बहुत ज़्यादा टेस्टी और इजी सालन। अगर आपने मेरे तरीके से एक बार इस ग्वार फली को बना लिया, यकीनन आपके घर में जो नहीं खाते हैं वो भी इसे बार बार मांग के खाएंगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस लगेगी ये। तो इसे ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और पास ही में बेल आइकॉन का बटन है उसे दबाएँ ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गवार फली की सब्जी बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम गवार फली ली है, इसको धो के इस तरह से काट लिया। ये देखिए, आप चाहें तो दो पीस भी कर सकते हैं। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप गवार फली को फ्रेश ही लें तो बहुत बढ़िया बनेगी। आज हम गवार फली को कुकर के अंदर झटपट सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे। इसके लिए हमने कुकर को गर्म कर लिया। ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल के अंदर गवार फली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे ऐड करेंगे। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन और तुरंत ही एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। यह हमने 3 सूखी लाल मिर्च ली, ये ऐड करेंगे। 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया, ये भी डालेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हमें भून लेना है। हमने इनको सिर्फ 8-10 सेकंड के लिए भूना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून पानी ऐड करना है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया और जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको 4-5 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भूना है। अब हम इसके अंदर गवार फली ऐड करेंगे। गवार फली को मसालों के अंदर हमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दही को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के एकदम स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट गवार फली गलने तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, गवार फली को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से सब्जी बन के तैयार हुई है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए, हमने गर्मा गर्म और टेस्टी गवार फली की सब्जी को सर्व करा है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।